भक्षक से बचें। आज आपको कौरव भक्षक शब्द सुनकर बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि आखिर ये कौरव भक्षक है क्या। तो हम आपको बताते हैं कि कौरव भक्षक दो शब्दों से मिलकर बना है, कोरोना और भक्षक। कोरोना सिर्फ एक वायरस ही नहीं बल्कि कोरोना जैसी प्राण घातक बीमारी इंसानों में भी है। जी हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हमारे आसपास हैं जो इस बीमारी से भी ज्यादा घातक हैं। तो आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इन दोनों का फर्क और मानता हम आपको आखिर में समझाएंगे। तो आज हम बात करेंगे दो मुद्दों पर, पहले कोरोना पर जिससे देश इस समय जूझ रहा है, और दूसरी विद्या के मंदिर की, जहां पर शिक्षक और भक्षक ने छात्रा के विश्वास को तार तार कर दिया। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना की। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है, साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी अब तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,41,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, वहीं 285 लोगों की जान चली गई है। ऐसे में देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट के 3,071 मामले मिल चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 4,72,000 हो चुकी है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,43,000 हो चुकी है, और ऐसे में कल 40,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर इस वक्त देश के हालात क्या हैं। तो देश के में कोरोना के हालात कैसे हैं बता रहे हैं। देश में अब तक तो ओमिक्रॉन के 3,071 मामले हो चुके हैं, 4,83,463 की जान अब तक चली गई है। वहीं अगर बात करें टीकाकरण को लेकर, तो अब तक 150 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है, यानी कि रोज 150 करोड़ से ज्यादा लोगों को भारत में लग चुकी है। 15,13,377 सैंपल अब तक टेस्ट किए जा चुके हैं। लगातार टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अब बेकाबू होता जा रहा है, और तेज रफ्तार कोरोना के यहां पर देखने के लिए मिल रही है। और पिछले 24 घंटे में 1,00,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि टीकाकरण भी उसी रफ्तार से भारत में हो रहा है जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार होती जा रही है। पहले से ही आपको बता दें, अनुमान जताया गया था कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, लेकिन अब भी ये कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर तो आ गई, लेकिन इस तीसरी लहर का पीक फरवरी तक होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर का पीक होगा, जब सबसे ज्यादा मामले सामने आएंगे। लेकिन ऐसे में सबसे चिंता वाली, सबसे डरने वाली बात यह है कि कोरोना के मामले बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बीते 24 घंटों की बात की जाए तो 1,41,000 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं। अगर कल की बात की जाए तो कल 1,09,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, उससे बीते दिन की बात की जाए तो तब 90,000 मामले आए थे। लेकिन अब संक्रमण की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और अब संक्रमण इतना फैल चुका है कि मामले बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इसीलिए तमाम राज्यों में गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज और कल दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। कल रात से ही दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है, जो सोमवार की सुबह तक लगेगा, और ऐसे में तमाम चीजें आज दिल्ली में बंद रहेंगी। सिर्फ जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं उन्हें ही अनुमति आने जाने की होगी, वो भी ई पास के जरिए। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर नाइट कर्फ्यू लागू हुआ है, और साथ ही तमाम राज्यों की बात की जाए तो तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, इसके साथ साथ नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई में धारा 144 लागू की गई है,
ताकि लोग कहीं पर इकट्ठे ना हो। तमाम राज्यों में तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं, चाहे वो शादी समारोह से जुड़ी हुई हो या फिर रैलियों से जुड़ी हुई हो। हालांकि रैलियों को लेकर अभी कुछ खासा गाइडलाइन नहीं देखने को मिली है, लेकिन ऐसे में तमाम बड़ी बड़ी रैलियां हो, जनसभाएं हो, वो सभी पार्टियों ने अभी कैंसिल कर दी है। चाहे अगर कल की बात की जाए तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ में एक कार्यक्रम था, बड़ी जनसभा होने वाली थी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रद्द कर दिया है। अगर इससे पहले की बात की जाए तो इससे पहले का आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नोएडा का दौरा था, वो भी रद्द हो गया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी रैली होने जा रही थी, रथ यात्रा वो निकालने वाले थे, उसे भी रद्द कर दिया था। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में भी प्रियंका गांधी ने अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया था। हालांकि ऐसे में अब आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, चुनावों का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन इन सबके बीच कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, रैलियों पर, जनसभाओं पर कब ब्रेक लगेगा, कब रोक लगेगी, उन सब पर ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बना हुआ है। तो चलिए कोरोना को लेकर गुजरात में क्या हालात हैं उसकी जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रणव सिंह राजपूत जुड़ चुके हैं। प्रणव, अगर पूरे भारत की बात की जाए तो भारत में बहुत ही बेकाबू ये कोरोना हो रहा है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। गुजरात में भी कैसे हालात है कोरोना को लेकर, कितने मामले 24 घंटे में देखने को मिल रहे हैं? जी पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से कल की बात ले लूं तो कल पूरे गुजरात में 5,000 के ऊपर कोरोना मरीज नए पाए गए हैं। और जो दूसरी बात है कि गुजरात सरकार की ओर से जो गांधीनगर जो महात्मा मंदिर में जो वाइब्रेंट का जो आयोजन किया गया था और जो फुलदोस का जो आयोजन किया गया था, वो सरकार ने ये सब जो कोरोना मरीज जो सामने नए नए आ रहे हैं और काफी संख्या में आ रहे हैं गुजरात में, इसके लिए उनको पूरा ये जो प्रोग्राम था वाइब्रेंट का वो रद्द कर दिया गया है। और काफी जो गाइडलाइंस है, कल नया गाइडलाइंस जारी करते हुए बताया गया है कि जो कर्फ्यू का जो अवधि था वो रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक रहेगा। और दूसरी बात है कि जो भी ऑफिस फैक्टर है उनमें 50% के हिसाब से ऑफिस में सब लोग जाएंगे, और जो जरूरी चीज जो ऑफिस है उनको सिर्फ होम से करना पड़ेगा। जी बिल्कुल प्रणव, और ऐसे में अगर गाइडलाइंस की बात की जाए तो गाइडलाइंस तो देखिए जारी कर दी गई हैं, लेकिन लोगों में कितनी जागरूकता है और लोगों उन लोग जो हैं वो उन गाइडलाइंस का किस तरह से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जी पारुल, मैं आपको खास बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से गुजरात में फिलहाल जो केस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के भी केस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो जनता है, जनता में जिस प्रकार से जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है। अभी फिलहाल जो मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन जो किया जाना चाहिए वो अभी तक कहीं भी दिखाई दिया नहीं जा रहा है। जो बड़ी बड़ी मार्केट है, मार्केट में अभी भी भीड़ जमा हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल प्रणव, और अगर यहाँ पर टीकाकरण की बात कर ली जाए तो वो किस स्तर पर हो रहा है, क्योंकि चाहे बड़ों का टीकाकरण हो या फिर बच्चों का हो, क्योंकि बच्चों पर अब ज्यादा फोकस किया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा था कि तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन हालांकि बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को भी टीका दिया जा रहा है। अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में टीकाकरण केंद्रों पर क्या तस्वीर देखने को मिलती है? जी पारुल, जिस प्रकार से टीकाकरण की बात की गई और बच्चों के लिए बात किया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीकाकरण में भी काफी दिक्कतें सामने आ रही है। काफी सेंटरों पे जो बच्चों का टीकाकरण है उनमें जो वैक्सीन है वो नहीं मिल रही है, और इनके बदौलत जो केंद्र है उनको बंद किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 1-2 दिन आपको वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से काफी दिक्कतों का सामना बच्चे भी और उनके पेरेंट्स भी कर रहे हैं, और काफी जो बड़े लोगों को भी वैक्सीन दिया जा रहा है उनमें भी काफी दिक्कतों का सामना आ रहा है। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से कल गाइडलाइन जारी किया उसमें जो कक्षा 1 से लेके 9वीं कक्षा तक जो स्कूल थी वो सभी स्कूलों को गुजरात में बंद किया गया है 31 जनवरी तक। जी चलिए ठीक है प्रणव, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देश में बेकाबू कोरोना की रफ्तार होती जा रही है, क्योंकि 1,41,000 से ज़्यादा मामले कोरोना के बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि टीकाकरण की बात की जाए तो अब तक 150 करोड़ लोगों को टीका देश में लग चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत चिंता की बात ये है कि
कोरोना के मामले बहुत तेजी से दुगनी तिगनी रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कल 1,09,000 के करीब मामले सामने आए थे, तो आज की बात की जाए तो आज 1,41,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता तो बढ़ जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में अगर सावधानी नहीं बरती जाएगी तो कोरोना और ज्यादा बेकाबू होगा और इससे संक्रमित ज्यादा लोग हो जाएंगे। इसलिए न्यूज़वर्ल्ड इंडिया भी आपसे अपील करता है कि घर पर रहिए, अगर जरूरी है तभी अपने घरों से बाहर निकलिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, साथ ही अपना और अपने परिवार का भी पूरी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले भी भारत में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तीसरी लहर अब कोरोना की आ चुकी है, तो ऐसे में अगर बचना है तो सावधानी बहुत ज्यादा बरतने की यहां पर जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे जिसका जिक्र पहले किया था। रायबरेली के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र में इंटर की परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने का झांसा देकर एक निजी स्कूल के प्रबंधक के बेटे और सरकारी शिक्षक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई। वही मामले की जानकारी जैसे ही ससुराल के लोगों को हुई तो उन्होंने युवती को घर से बाहर निकाल दिया। वही पीड़िता की शिकायत करने पर सरकारी शिक्षक ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं पीड़िता और शिक्षक के बीच बातचीत का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया है। पुलिस ने स्कूल प्रबंधक के बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो जो ऑडियो वायरल हो रहा है, सबसे पहले आप वही ऑडियो सुनिए, फिर आगे की जानकारी आपको देंगे। हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो हाँ हाँ बोलो आप हाँ नमस्ते हेलो हाँ नमस्ते नमस्ते हाँ चल जा रहे थे रास्ते में है, अभी निकल रहे हैं, मौसम बड़ा खराब है। हाँ और ठीक है तो हम अब तो चक्कर में चारों तरफ से फंस गए, अब हम क्या करें, क्या हुआ बताओ, क्या बताए, वहाँ अल्ट्रासाउंड कराने सब कुछ गए थे तो 5 महीने के बताया। चुपचाप अपने हिसाब से काम कर लो, अपने हिसाब से क्या, यहाँ ससुराल में बोल रहे हैं कि जिसका है बस उसे घर पे रहो जाके, अब कहाँ जाएं, हमारे घर वाले भी बोल रहे हैं, हम वो भी कुछ नहीं तो नहीं ले करो, कह तो दोबारा जांच कराओ, यहाँ बड़े डॉक्टर के यहाँ तुम जांच कराओ, हम बता देते हैं। अलका त्रिपाठी है, अलका त्रिपाठी, अलका त्रिपाठी, अलका त्रिपाठी, हाँ कहाँ पे, यही जेल रोड पे रहते हैं। कहाँ पे, लेडीज जेल रोड पे, जेल रोड पे, जेल रोड पे रहते हैं। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में कल गए थे तो यहाँ पे खून भी जाँच की, सब कुछ जाँच की। अरे वो गलत, वो गलत रिपोर्ट भी हो सकती है, यहाँ बड़े डॉक्टर से जांच कराओ, ठीक है ना, रिपोर्ट कोई सही थोड़ो हो सकती है, अपने हिसाब से देख लो, जांच इलाज इलाज करवा लो अपना। नहीं तो सर पता उसी टाइप का, तो तुमको जब ये सारी समस्याएं थी तो तुमको अपना देखना चाहिए था, क्या बता, चलो देख लो अपने हिसाब से, जैसे भी मैनेज कर लो, जो करोगे आप ही करोगे, नहीं तो हम काम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएं फिर, अरे जहाँ हो वहीं रहो, यहाँ पे कैसे, हमारे यहाँ पे ठिकाना थोड़ी ना, अरे रहेगा क्यों, ठिकाना नहीं रहेगा, यहाँ पे ना हमारे हस्बैंड रहने देंगे ना हमारे सासू जी, कोई भी नहीं रहने दे रहे, पता है, जब से पता चला इन लोग कल जांच कराने ले गए थे सबको, तो कुछ दिन अपने गाँव चले आओ, तो कुछ दिन कैसे चले जाएंगे, उसके बाद हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना, कहीं नहीं बर्बाद होगी,
गाँव में आके देख लो, ठीक है। क्या करेंगे, और पूरी जिंदगी हम अपने गांव में ही गुजारेंगे, हमारे गांव वाले भी तो पता है, मैं मम्मी पापा कहीं नहीं कोई गुजारे, जहां जिसका जहां शादी विवाह हुई वहां गुजारना है, कोई भाई कोई जरूरी है कि वो है। लेकिन जब उसके जिसके साथ हमें शादी उनको कहने जिसके साथ उनके कहने से हो जाएगा भाई, शादी विवाह आपके साथ हुई है ना, तो अब ये थोड़ो कहने से उनको काम चलेगा कि नहीं हम उससे बाहर है। नहीं तो सर वो पता है, वो सब यही बात के लिए मानने के तैयार नहीं है कि तुम हो कैसे गई, जब तो जब ब्लड सब चेक हुआ तो उसके बाद पता चला तुम्हारे यहाँ का, तो हम बताए भी पता कैसे मजबूर में इनको बताना पड़ा हमको, अब हम कहाँ जाएं। चलो सब धीरे समझ लो, कह दो चिल्लाओगे तो फिर चारों तरफ बात फैलेगी, वो होगा अपने हिसाब से। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि उनको बुलवाओ तुम्हारे यहाँ लोगों को कि कौन है कौन है, नहीं तो क्यों बताया सबूत बताए, फिर भी बोले इसके सबूत दो। कौन सा सबूत, कौन सा सबूत, समझ बोझ लो किस तरह से, अपने हिसाब से देख लो, परेशान ना हो, ज्यादा दिक्कत हो कुछ दिन अपने गांव चले आओ, ज्यादा भाई समझाना बुझाना हम क्या बताएं। और जो हमें पेड़ में पल्ला कोई प्रॉब्लम थी तो कभी है? इसको हम क्या करेंगे, जो हमें कभी प्रॉब्लम थी तो आपको कभी बच्चे से करना चाहिए, आप कभी हम लोगों के बीच कोई वो नहीं करता। तो सर आप आएंगे आप अपनी कहाँ, हमें यहाँ ससुराल वहाँ से कर हम आए, तो हम आए फिर कहाँ स्कूल और कहाँ क्या करने आएंगे हम, ये समस्या लेके कहाँ जाएं, कहाँ पे हमारे ठिकाना है, हमें मम्मी पापा भी कल आए थे, वो भी कल दोनों लोग चले गए, वो यहाँ पे समस्या में छोड़ के हमको गए कि चाहे मार डालो चाहे काट डालो, और यहाँ वाले भी इस तरह बर्ताव कर रहे हैं कि हमको कहीं से भी रहने नहीं दे रहा है। चलो अभी तुम वही चुपचाप रहो, जरा सांस वो ना लो, जरा परेशान ना, हर कमरे वही रहो, वही रहो, हर कमरे में लगा के रखे हैं, बाहर बैठे हैं, हालांकि देखिए ये ऑडियो आपने सुना, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन संज्ञान में ये मामला आया है तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ये बनती है कि पीड़िता को इंसाफ मिले, लेकिन न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया फिर से कह रहा है कि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऐसे में इस तरह के मामले तमाम सामने आते हैं, ये रायबरेली का पूरा मामला है, ऐसे में पीड़िता के शिकायत करने पर सरकारी शिक्षक ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी, ये जानकारी भी मिल रही है। वहीं पीड़िता और शिक्षक के बीच बातचीत का ऑडियो भी अब ये वायरल हो रहा है जो आपको अभी हमने सुनाया। वहीं पुलिस ने स्कूल प्रबंधक के बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने भी बहुत ज्यादा कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं की है। केस तो दर्ज किया गया है लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं इस पूरे मामले में हुई है। बेशक ये दोनों ही मुद्दे एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन दोनों ने सुरक्षा का एक ही उपाय है कि ऐसे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना चाहिए जिनसे आपको किसी भी तरह का खतरा हो, ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचें जो कि किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी भी बुरी चीज की आशंका होने पर तुरंत इसकी सूचना उचित व्यक्ति को दें जो आपकी समस्या का समाधान कर सके। ऐसे में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपको इन सुझावों के साथ आज छोड़े जा रहा है।